हेलो स्टूडेंट, हम अब सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सेकंड चैप्टर 4 डिजिट नंबर, इसका नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग इन टूज, फाइव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। अब हम इसमें टूज, फाइव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की काउंटिंग कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग इन टूज, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कोई एग्जांपल 1352, तो हम इन टूज, इट मींस क्या है, टू हम क्या ऐड करेंगे, प्लस टू करेंगे। यानी कि ये जो नंबर है इसमें हम क्या करेंगे, प्लस टू, इसमें क्या करेंगे हम, प्लस टू। ठीक है, तो 1352 में प्लस टू करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है, प्लस टू करने पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1354। देन उसके नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, प्लस टू करेंगे तो 1356। मतलब इसमें क्या करना है, टू टू ऐड करना है। अगर काउंटिंग इन टूज आ गया तो इसमें क्या करोगे आप, प्लस टू करोगे। एंड देन ऐसे ही आप आगे से आगे डिजिट इसकी लिख सकते हो। फिर ऐसे काउंटिंग इन फाइव्स, फाइव्स में क्या करोगे आप, फाइव फाइव का ऐड करोगे। इट मींस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4385, इसमें प्लस फाइव आप करते हो तो आंसर क्या आता है, 4390। ओके, देन उसके बाद इसमें प्लस फाइव करोगे तो क्या आ जाएगा, 4395। इसमें क्या करना है, फाइव फाइव ऐड करना है और आगे के नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ऐसे हंड्रेड्स में भी क्या होता है, हंड्रेड हंड्रेड ऐड करना है। तो इसमें अगर हम हंड्रेड ऐड करते हैं, आप ऐसे भी हंड्रेड ऐड करके देख लेना रफ में कि क्या आ जाएगा, 3350। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3450, फिर उसके नेक्स्ट 3550। ऐसे हंड्रेड हंड्रेड का हम क्या करेंगे, ऐड करके हम आगे की काउंटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग इन थाउजेंड, थाउजेंड में काउंटिंग कैसे होगी, 4850 है तो इसकी, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, थाउजेंड। ठीक है, थाउजेंड ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 5850। देन अगेन नेक्स्ट नंबर, इसमें हम थाउजेंड ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6850। ऐसे हम क्या करेंगे, आगे से आगे नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग इन टूज में क्या होता है, हम प्लस टू यानी कि टू टू को ऐड करते हैं। काउंटिंग इन फाइव्स में हम फाइव को प्लस करते हैं। एंड काउंटिंग इन हंड्रेड्स में हम हंड्रेड प्लस करते हैं। एंड काउंटिंग इन थाउजेंड में हम थाउजेंड को प्लस करते करते नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।